होता तो वही जाता। थोड़ा उतरने दे भाई, थोड़ा सा उतरने दे। नीचे क्यों उतर रहा है? नीचे मत उतर जाओ। दोस्तों सामने से देख सकते हैं जो लोग आ रहे हैं, काफी ज्यादा लड़ाई मार हुआ है। अरे जिन्ना जान से मार देगा क्या? सो दोस्तों अभी जो आपने क्लिप देखा उस क्लिप में जो है ना हम लोग आप देख रहे हैं कि ट्रेन खड़ी है, ट्रेन के बगल में जस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा एक पाव देना भी एक पाव हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों अभी मैं हूँ दालखोला स्टेशन में और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:20, मतलब 3:30 में जो ना हमारी गाड़ी आने वाली है, जिस गाड़ी में हम लोग बैठ के जाने वाले हैं। और अभी मैं अगर रात का एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई पूरा रात हम लोग स्टेशन में लेटे हुए थे और यहाँ जो है ना काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली खाली सा इस एरिया में तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो हालत ऐसी ख़राब हो चुकी है। और आपको थोड़ा सा गाड़ी का व्यू दिखा दें कैसा रहता है। बस यही था, बाकी हालत ख़राब हो गई है। और मैं सिर्फ इतना आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि भाई प्रदेश जाने वालों का जो हालत है ना वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है जब ऐसा कंडीशन आ जाता है। गाड़ी सीधा सीधा जो है ना 9 घंटे गाड़ी लेट चली है, मतलब 9 से 10 घंटे तकरीबन होगा, 10 घंटे तक गाड़ी लेट है। इतना से दूरी में दालकोला से, मतलब गुवाहाटी से दालकोला इतना के बीच में जो है 10 घंटा का लेट, भाई अब क्या ही कर सकते हैं यार। चलिए जैसा भी हो, चलिए चलते आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के बाद अभी फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं, मतलब एक्चुअली लेट चुके हैं। ऊपर का सीट हम लोगों का अभी खाली है फिलहाल सोने के लिए। हे गाइस गुड मॉर्निंग, बता रहा हूँ कि मैं अभी जस्ट कटिहार को क्रॉस किया है थोड़ी देर पहले। कटिहार को तो मुझे जो है ना रात को 10 बजे ही क्रॉस करना था, लेकिन गाड़ी लेट के कारण इतना ज़्यादा लेट हो गया है। और अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा सिर्फ सो पाया हूँ, रात भर तो नहीं है सो पाया था बिल्कुल भी। जस्ट ऊपर में यहाँ देख सकते हैं ऊपर वाला सीट हमारा है, तो थोड़ा सा सो पाया। जिस तरह से रेगुलरिटी में जो मैं फॉलो करता हूँ, जो डेली वाइज मेरा क्या कि सवेरे आँख खुल जाती है, तो उसी का वैसा ही सेम चीज़ हो गया, भले ही नींद पूरा हो ना हो लेकिन जो टाइमिंग है उस पर मेरा आँख खुल जाएगा। सो बस यही बताना चाहता हूँ आपको, फिलहाल जो है मेरी आँख खुल गई है, मैं नीचे बैठा हुआ हूँ। अब मेरे भाई लोग थोड़ा सा उठेंगे तो क्या है ना कि नाश्ता वगैरह करेंगे और भी फ्रेश होंगे और आपको कुछ बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अभी ये जो है ना सिर्फ एज ए अपडेट है, बाकी दिखाता हूँ कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा मोड आता है ज़रूर आपको दिखाता हूँ, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो है ना बहुत ही ताबड़तोड़ बिल्कुल ख़तरनाक वाला जो है ना वीडियो आने वाला है, टाइम टू टाइम जो है ना आपको मिलता रहेगा, डेली वाइज मिलता रहेगा। सो मेरी पुरानी वीडियोज़ आपने देखी होगी, तो पुरानी वीडियोज़ में मैं मतलब आपको जो 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 एरिया एक्सप्लोर कराया था, ये जो एरिया है ना भाई वन ऑफ द बेस्ट एरिया है, सबसे ज़्यादा है, सबसे हटके है। सो इसको देखने के लिए जो ना आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। You are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day. In the light of day. होता तो वही जाता। थोड़ा उतरने दे भाई, थोड़ा सा उतरने दे। नीचे क्यों उतर रहा है? नीचे मत उतर जाओ। लड़ाई मार हो रहा है शायद, वहाँ देखिए थोड़ा सा लड़ाई मार हो रहा है।
जा रहा था ना, लेकिन ठेला मार सो दोस्तों, अभी जो आपने क्लिप देखा उस क्लिप में जो है ना, हम लोग आप देख रहे हैं कि ट्रेन खड़ी है, ट्रेन के बगल में जस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा मारपीट हो रहा है। मारपीट होने का रीज़न थोड़ा थोड़ा सा पता चल रहा है कि कोई लड़की का मैटर है। देखिए, सारा जो लोग हैं वो अपने अपने काम पे लगे हुए, क्योंकि गाड़ी को जो है ना भेकम कर दिया गया है, मतलब बोलते हैं ना कि चैन खींच दिया गया है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब तक नहीं निकला है, गाड़ी अब तक आगे नहीं जा रही है। और जो मारपीट वगैरह किए थे कुछ लोकल्स थे यहाँ के, आप देख सकते हैं सारे लोग उस तरफ खड़े हैं, और यहाँ देख सकते हैं इस घर से भी काफ़ी सारे लोग आए थे। और मारने का जो स्पॉट था वो ये वाला था जो सामने में जस्ट जो है ना, जो पेड़ पौधा देख रहे हैं रेलवे गेट के जस्ट बगल में, बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है। सो भी गाड़ी रुकने का आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, अब तक गाड़ी खुली नहीं है। जिस हिसाब से चैन खींचा गया था, बिल्कुल गाड़ी बहुत ज़्यादा रफ्तार में थी और चैन खींच दिया गया था। मैं तो खैर सोया हुआ था, तो मुझे तो खैर उतना पता चला नहीं, मामला जो है ना बस अब ख़त्म ही होने वाला था, तभी मुझे पता चला। मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखा पाया हूँ, और अब देखता हूँ कितने तक टाइम तक जो है ना गाड़ी खड़ी रहती है। ऐसे ही तो गाड़ी 10-12 घंटे लेट है, और कितना लेट होगा मुझे नहीं पता। आप देख सकते हैं कि मतलब ये गांव है। थोड़ा सा मैं गूगल मैप में आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ कौन सा गांव है, पता चल जाएगा आपको। तो दोस्तों, अभी गाड़ी खुली है यहाँ से, मैं आपको वो वाला स्पॉट दिखाता हूँ जहाँ पर फाइट हो रहा था। मैं आपको जूमिंग से दिखा रहा था क्योंकि मैं बहुत पीछे था, सो अभी सामने सामने से आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से फाइट हो रही थी। और कुछ बंदे अभी भी खड़े होंगे शायद से, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मार यहाँ हो रहा था इस जगह पर, बिल्कुल सामने में जो ईटा वगैरह रखा हुआ है आप देख सकते हैं। अभी तो बिल्कुल जिस हिसाब से मार हुआ, सामने सामने से बंदा आया, सडनली मार लिया, फिर अचानक से सब बंदे निकल गए, मतलब एहसास नहीं होने दिया कि यहाँ पर मार हुआ है। इसे कहते हैं बिहार, है ना। एक पाव देना भैया, एक पाव। एक पाव दीजिए मुझे, आधा किलो। ये अंगूर कुछ ज़्यादा ही मोटा मोटा सा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं इतना मोटा अंगूर, मैंने इससे पहले नोटिस नहीं किया था, आप देख सकते हैं। गुरु भी बड़का बड़का है, अंगूर भी बड़का बड़का है। एक पाव दी, एक पाव। बस ले लेता हूँ थोड़ा सा अंगूर, क्योंकि हेल्दी होता है, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। एक पाव, एक पाव, एक पाव। एक पाव है, तो आप देख सकते हैं ये है एक पाव अंगूर। देखिए, एक पाव में क्वांटिटी इतना कम है क्योंकि साइज़ बड़ा है तो वज़न बड़ा है इसका, लेकिन ऐसे फिर सोच में लगता है जो सस्ता दे रहा है, लेकिन सस्ता बोल के उतना तो कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा टेस्ट देखता हूँ, टेस्ट कैसा होता है। बहुत ही बड़ा बड़ा सा बीज है इसके अंदर, और टेस्ट भी कोई खास नहीं है, बिल्कुल पानी पानी सा टेस्ट है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। मैं तो सिर्फ इसको इसलिए खा लेता हूँ कि थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट हो जाए, थोड़ा सा शक्ति आ जाए शरीर में, क्योंकि उस तरह का खाना पीना तो यहाँ होता नहीं है। बहुत ही बड़ा बड़ा सा बीज है, डिसअपॉइंटेड पॉइंट है ये वाला। चला बहुत ज़्यादा
हो रहा है क्या? हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कितना दम मांगता है? 20 रुपए का नहीं हो सामान। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग जो है ना इलाहाबाद घुसने वाले हैं। इलाहाबाद का नाम अभी चेंज होकर प्रयागराज हुआ है। तो एक दो बार तो मैं खुद ही कंफ्यूज था कि यार इलाहाबाद कहाँ गया, प्रयागराज ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन मुझे पता था कि यार इलाहाबाद आना है, इलाहाबाद को मैं ढूंढ रहा था। वैसे मैं बता दूँ कि हमारी हालत ख़राब हो गई है बैठ बैठ के, आप मेरा हुलिया भी देख सकते हैं। और अभी मैं सोच रहा था कि मैं आपको जो है ना यहाँ से जोधपुर तक का पूरा जो ट्रेन वाला सीन है वो दिखाऊँ, सारा चीज़ बताऊँ, लेकिन ये चीज़ अब संभव नहीं हो रहा है क्योंकि नाइट हो रही है, अभी रात हो रहा है, तो शाम हो रही है ना, तो इसी कारण से अब तो क्वालिटी आएगा नहीं। दूसरा चीज़ ऐसा है कि रात को मैं अभी आपको दिखाऊं क्या। सो बस यही है कि मैं सोच रहा था कि कम से कम आपको इलाहाबाद दिखा सकूं और इलाहाबाद के स्टेशन में थोड़ा सा भीड़ वगैरह दिखा सकूं और वहाँ के कुछ डिटेल्स आपको बता सकूं। सो मैं कोशिश करता हूं। वैसे तो शाम हो गई है, देख सकते हैं अंधेरा सा हो गया है, 6:40 हो चुका है अभी, ठीक है। तो जैसे इलाहाबाद आता है, अभी गाड़ी स्लो हो चुकी है, ठीक है। इलाहाबाद जैसे ही आता है ना मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करता हूँ। क्योंकि एंड करने का रीज़न है कि क्योंकि अभी वीडियो को एडिट भी करना है, फिर अपलोड भी करना है। तो आपको तो पता ही है कि मैं अभी ट्रेन में हूँ तो नेटवर्क का काफ़ी ज़्यादा इशू है। सो अपलोडिंग में भी जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मैं आपको अपडेटेड मतलब रखता हूँ, आपको अपडेट देता रहता हूँ, तो सुबह मॉर्निंग में आपको अपडेट चाहिए, इसी कारण से वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि शुरू शुरू में मैं भी यही चीज़ सोचता था और सारे कई लोग सोचते हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चे लोग सोचते हैं कि गाड़ी में चढ़ना कितना मज़ा आता है। जैसे कि हम लोग रेलवे के जस्ट बगल में हैं तो गाड़ियाँ चलती हैं ना, तो लाइट्स वगैरह जलता है रात में, तो अच्छा ऐसा लगता है कि यार गाड़ी में चढ़ पाते, शुरू का ये ख्याल था। लेकिन गाड़ी में चढ़ के जो है ना जो लंबा सफ़र करते हैं 3-4 दिन का, उनसे जाके पूछे भाई क्या हालत ख़राब होती है, हमारा कपड़ा वगैरह सारा चीज़ गंदा हो गया है और अभी बस किसी तरह पहुँचना है वहाँ पर, उसके बाद वहाँ पहुँच के फ्रेश होएंगे और फिर जो है ना आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे जोधपुर को बिल्कुल अच्छे से। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं जस्ट थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा देता हूँ, जैसे इलाहाबाद आता है दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड कर देता हूँ। सो दोस्तों फाइनली आ गए हैं प्रयागराज उर्फ इलाहाबाद, मतलब जो बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते हैं प्रयागराज को, तो मैं बता देता हूँ। प्रयागराज का जो सॉरी इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया है। और मैं सिर्फ आपको इतना सा दिखाना चाह रहा था क्योंकि मुझे एक मंजिल की तलाश थी कि यार कब तक मैं पहुँचूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सा डिमोटिवेट टाइप से हो गया था, यार कब पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा। तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ एक डिसीजन लिया था कि आपको सिर्फ ये दिखाना है। और फाइनली आप देख सकते हैं मैं आपको इलाहाबाद को जो इलाहाबाद का दर्शन वो करा दिया और हमारी गाड़ी का वहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। चावल नहीं, चावल अच्छा चावल पूरी दोनों, सब्जी सब्जी, ये खाना आया है इलाहाबाद का। क्योंकि ट्रेन में उस तरह का खाना मिलता नहीं है तो हम लोगों ने सोचा कि जैसे इलाहाबाद आता है तो खाना वगैरह जो है ना वहीं से ले लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि घर से जो बना के लाए थे ना भाई वो एक दिन का ही मेहमान होता है, एक दिन तक ही ठीक लगता है, उसके अलावा ठीक लगता नहीं। हालांकि सारा सामान अभी पड़ा हुआ है लेकिन अब खाया नहीं जाएगा क्योंकि सुकून नहीं मिलता है, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि भाई मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा कमी है, वीडियो एडिट करना है, फिर अपलोड करना है, सुबह में आपको अपडेट दे रहा है। सो इसीलिए बाकी का कल से फिर कंटिन्यू करते हैं। कल तो खैर जोधपुर पहुँच ही जाना है और पहुँचने साथ ही सारा व्यू आपको दिखाएंगे जोधपुर का। अगर आप में से कोई जोधपुर नहीं देखे हैं तो भाई आपको काफ़ी अच्छा सा लगने वाला है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।